दोस्तों आज होने वाला है रॉयल रंबल का गो होम शो, यानी कि रॉयल रंबल से पहले स्मैकडाउन का अंतिम एपिसोड। और यहाँ पर रॉयल रंबल के लिए स्मैकडाउन की सभी स्टोरी लाइन्स को फाइनल टच देखने को मिलेगा। और साथ ही यहाँ पर रोमन रेंस अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रॉयल रंबल में डिफेंड करने से पहले आज द ब्लड लाइन का मुकाबला है यहाँ पर देखने को मिलेगा। दरअसल स्मैकडाउन के इस एपिसोड के दौरान हमें एले नाइट वर्सेज सोलो सिकुआ के बीच वन ऑन वन मुकाबला देखने को मिलेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो रोमन रेंस और एले नाइट दोनों के लिए ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट मुकाबला होने वाला है, क्योंकि यहाँ से अपने जीत की रिदम है वो रॉयल रंबल के लिए दोनों ही सुपरस्टार सेट करना चाहते हैं। और यहाँ पर अगर सोलो सिकुआ के रूप में द ब्लड लाइन की विजय होती है तो निश्चित रूप से रोमन रेंस को इसका फायदा रॉयल रंबल के दौरान देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पर एले नाइट इस मुकाबले को जीतते हैं तो उनकी जीत का ये मोमेंटम है रॉयल रंबल के लिए उनका कॉन्फिडेंस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। और इस तरह से उनके पास एक बड़ा मोमेंट होगा कि वे रोमन रेंस के अगेंस्ट यूनिवर्सल चैंपियनशिप का शॉट है वो हासिल कर सके। दोस्तों आपको बता दें कि रॉयल रंबल में रोमन रेंस अपने यूनिवर्सल चैंपियनशिप को एक फेटल फोर वे मुकाबले में एले नाइट, रैंडी ऑर्टन और एजे स्टाइल्स के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले हैं। और ऐसे में यहाँ पर इस मुकाबले के दौरान उनकी टीम द ब्लड लाइन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है वो इस मुकाबले के दौरान देखी जा सकती है। और इस मुकाबले के निर्णय के लिए इनकी टीम का एक इम्पोर्टेंट रोल है वो हमें देखने को मिल सकता है। इसीलिए यहाँ पर स्मैकडाउन के इस एपिसोड में द ब्लड लाइन का मुकाबला है रोमन रेंस के ओपोनेंट्स के साथ करवाया जा रहा है। और स्मैकडाउन के इस एपिसोड से हमें यह पता चल जाएगा कि द ब्लड लाइन की भूमिका है वो रॉयल रंबल में कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर यहाँ पर सोलो सिकुआ की जीत होती है तो निश्चित रूप से द ब्लड लाइन की इंटरफेरेंस है वो इस मुकाबले के दौरान काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और अगर यहाँ पर सोलो सिकुआ की हार होती है तो निश्चित रूप से रोमन रेंस के लिए एक खतरे का संकेत होगा। तो दोस्तों आपके क्या है ओपिनियन इसको लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।